पीआरटी से बीएड पूरी तरह से बाहर हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन, लेकिन उसके बाद भी तमाम तरह के सवाल जेहन में आ रहे हैं और लगातार उठ रहे हैं। आपने देखा होगा आज पूरे दिन एक खबर फैलती रही कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो चुका है, और उसके साथ साथ ये तरह तरह के अफवाहें का दौर भी चल रहा है। इसमें कितनी सच्चाई, कहाँ तक क्या सच है, उस पर भी जानेंगे। और आपने भी देखा कि बिहार राज्य में भी बीएड में पूर्व से चयनित लगभग 22,000 शिक्षकों को बाहर करने का रास्ता हाईकोर्ट ने दिखाया, जबकि बिहार सरकार ने आज ही फैसला, मतलब कल ही फैसला ले लिया था कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अंत में क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन प्रथम दृष्टि अगर देखा जाए तो वहां पर 22,000 शिक्षक जो 2 साल पहले कार्यरत थे और उन पर प्रशिक्षण लग गया है माननीय न्यायालय के फैसले के बाद। उत्तर प्रदेश में भी हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया, जजमेंट की कॉपी को वायरल भी किया जा रहा है, कहा भी जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड पूरी तरह से बाहर हो चुका है, लेकिन अभी तक उस जजमेंट में या उस जजमेंट के अधीन यह कहीं स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उससे बीएड तत्काल प्रभाव से बाहर हो गया है जो चयनित है। हाँ, निकट भविष्य में जो आने वाला समय है उसमें यह कहा जा सकता है कि बीएड के अभ्यर्थियों पर संकट के बादल छा सकते हैं या उन्हें आने वाले भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तो एकदम साफ और स्पष्ट हो गया कि भविष्य में जो भी भर्ती परीक्षा होंगी पीआरटी के लिए 1 से 5 के लिए, उसमें बीएड अभ्यर्थी नहीं सम्मिलित होंगे, उसमें डीएलएड और बीटीसी के अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे। मतलब अब जो 1 से लेकर 5 तक हम पीआरटी की बात करें तो जो पीआरटी है उसमें केवल जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं या बीटीसी के अभ्यर्थी, मैंने एलिमेंट्री कोर्स जिन्होंने किया है वही 1 से लेकर 5 तक में पीआरटी के लिए शिक्षक या शिक्षिका बन सकते हैं। लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी के लिए, अगर हम बात करें कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी के लिए अब इजिबल नहीं है, तो अभी सवाल उठता है क्या इसका प्रभाव 69,000 शिक्षक भर्ती पर पड़ेगा जो अभी तत्काल प्रभाव में, अभी जो हाल फिलहाल में जो आज का जजमेंट आया, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा? अभी उसका कोई प्रभाव उतना हद तक नहीं पड़ने वाला है कि उन्हें तत्काल बाहर कर दिया जाएगा। हाँ, उस कहीं ना कहीं जो जजमेंट है उस जजमेंट में एक बात तो साफ है कि निकट भविष्य में जो भी भर्ती होंगे उसमें पीआरटी में बीटीसी डीएलएड को ही मौका रहेगा, बीएड के अभ्यर्थियों को मौका नहीं रहेगा। दूसरी बात एकदम साफ होगी, उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले और राजस्थान का जो जयपुर का फैसला था उसे रिपीट किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं एक बिंदु भी छूटा जा रहा है, क्योंकि अभी आकाश पटेल जी की अभी जो केस लगी है उसका प्रभाव कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती पर प्रत्यक्ष रूप से देखने को पड़ सकता है। अगर वो फैसला कुछ आता है जो राजबसु जी के साथ में जो ब्रिटिशी की टीम है जो उनकी जो सुनवाई चल रही उसका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी जो ऑर्डर आया है इस ऑर्डर से ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। वहां पर केवल एनसीटी की जो गाइडलाइन थी 28 जून 2018 की जो गाइडलाइन थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एससी ने जिसे रद्द किया था उसकी ही जिक्र यहाँ पर की जा रही है, उसी की बात यहाँ पर हो रही थी, इसलिए यहाँ पर कहीं भी इससे लेकर संशय की स्थिति नहीं है। एक सवाल कई लोग कह रहे हैं कि वो घबरा गए हैं कि क्या वो बाहर हो जाएंगे, उनके लिए क्या होगा, अभी तक इस निर्णय में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हाँ, आगे क्या होगा इस पर अभी संशय बना हुआ, इस पर संशय बरकरार है। फिलहाल इसमें आपकी क्या राय है, आपकी क्या टिप्पणी है, क्योंकि जो 1 से लेकर 5 तक की बात है वो एलिमेंट्री कोर्स के लिए पीआरटी के लिए है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे आधार है जिस आधार पर, अगर मैं बात करूं बिहार राज्य का जो जजमेंट है उस आधार पर भी आगे आने वाले समय में ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या, क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग 25 से 30,000 अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में, अगर 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो इस भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड के अभ्यर्थी इसमें चयनित हैं, तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या माननीय सरकार के सामने एक बड़ा प्रश्न बन जाएगा। और कहीं ना कहीं न्यायपालिका में भी, लेकिन न्यायपालिका जो है वो इमोशंस से नहीं चलता, वो सबूतों, गवाहों और जो उनके सामने प्रत्यक्ष चीजें होती उसी के आधार पर चलता है। कई बार कहा जा रहा है कि जब मामला चल रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती का सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर भी बीएड बीटीसी और कट ऑफ को लेकर था, तो वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को हरी झंडी देते हुए और नियुक्ति करने का आदेश भी दिया था, तो इस बात को भी लेकर यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, कई जगह फेसबुक पे सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं स्पष्ट करूँ, क्योंकि जो न्यायालय में सुनवाई हो रही थी वो कट ऑफ को लेकर थी, वो 60-65 वर्सेस 40-45 की थी, तो वहां पर जो सुनवाई हुई वो उसके आधार पर, वहां पर बीएड और बीटीसी ये जो केस था वो एक अलग फ्रेश केस पे था, वो 69,000 शिक्षक भर्ती में उसका सरोकार नहीं था, क्योंकि वहां पर केवल जो मामला था वो 60-65 वर्सेज 40-45 था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 के आधार पर अपना जजमेंट दिया, और उस आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती में 2 और 3 चरणों में नियुक्ति हुई, और अभी एक और चरण आने वाला जिसमें एक अंक जिनको बढ़े हैं उनको भी नियुक्ति मिलने की आशा है। और एक बात आ रहा है कि क्या इससे
नई भर्ती के भी रास्ते खुलने वाले हैं। एक भी सवाल आ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बाहर जाएंगे, देखिए इतनी भी आसान नहीं कि तुरंत तत्काल से बाहर जाए, एक लंबा प्रक्रिया, एक लंबा प्रोसेस है, और सिंगल बेंच है, डबल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन देखना अभी अंतोगत तो आगे क्या होता है, क्योंकि बड़ा सवाल हो जाएगा। कुछ लोग का कहना यह है कि इनकी भी हाल बीएड अभ्यर्थियों की हाल शिक्षा मित्र जैसे होगी, क्योंकि वो भी 3 साल तक पहले स्थायी शिक्षक के रूप में थे, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उनका पद जो है समाप्त हुआ और वो शिक्षा मित्र से अब मानदेय पर हो है। तो एक बड़ी अलग बातें हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक तो फिलहाल अगर ये कहा जाए, एक लाइन पूछा जाए कि 69 शिक्षक भर्ती अभी तक क्या बीएड सुरक्षित है, जी हाँ अभी तक बीएड सुरक्षित है। इस जजमेंट का प्रभाव अभी तक उन पर नहीं है, और आगे हो सकता है जजमेंट के आधार पर कोई और जजमेंट आता, आकाश पटेल जी का जजमेंट जो केस चल रहा है, हो सकता है उसके आधार पर कुछ आ सकता है निकट भविष्य में, तो उस पर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ऐसे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन आगे निकट भविष्य में, आगे अगर मैं बात करूँ पीआरटी के लिए, केवल बीटीसी और डेलेड है, क्योंकि इनकी जो एलिमेंट्री कोर्स होती है 1 से लेकर 5 तक के लिए, तो एक सवाल ये है कि जो बीटीसी और डेलेड है क्या वो पीआरटी के लिए ही इजबल है। तो इनकी अगर हम बात करते हैं 1 से लेकर 5 तक, ठीक उस पर 6 से लेकर 8 तक, इन दोनों में भी परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी जिन्होंने फ्रेश बीएड का रखा है, वो जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक की जो भी परीक्षाएं होंगी उनमें वो सम्मिलित हो सकते हैं, जिनमें 6 से लेकर 8 तक 9, 10, 11, 12 तो जूनियर माध्यमिक मतलब जिसे टीजीटी पीजीटी तीनों में सम्मिलित हो सकते हैं, चाहे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, कई जो भी भर्तियों की प्रक्रियाएं होंगी। तो इस प्रकार एनसीटी गाइडलाइन रद्द हो चुकी है और उसी आधार पर ये जजमेंट भी आया गया, माने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था वो राजस्थान के हाईकोर्ट के आधार पर था, और जो आज का जजमेंट आया है वो राजस्थान और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को कोट करते हुए आया है। इसलिए इस पर घबराने की बात नहीं है और जल्दबाजी भी करने की बात नहीं है, और आप पूरे मनोयोग के साथ अपनी पढ़ाई करते रहिए, जो अध्यापक है वो पढ़ाते रहें, आगे क्या होगा वो कल के नाते, अपना आज खराब ना करें, अपना आज बर्बाद ना करें, और फिलहाल जो होगा सबके लिए होगा, और माननीय न्यायालय है उनके निर्णय को हम सभी सहृदय स्वीकार करते हैं, आगे भी करते रहेंगे, और उनका निर्णय जो है सभी को सर्वमान्य होगा। फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। आप लोग का समय और दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक करने से अपने सभी मित्रों को साझा करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मैं इस चैनल इलानी दुर्गेश के माध्यम से अपनी बातें आप लोगों को पहुंचाने का काम करता हूं, जब भी मुझे समय या मौका मिलता है। फिलहाल आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। अगर कोई सवाल, कोई प्रश्न कमेंट करेगा, कोई सुझाव आपका तो भी कमेंट करेगा, कोई अगर आपका प्रश्न, कोई व्यक्तिगत सवाल हो तो इलानी इंस्टाग्राम पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डरने की घबराने की बात नहीं, आप लोग आगे बेस्ट करते रहिए, बेहतर करते रहिए। हाँ, लेकिन भविष्य में ये जो सवाल आ रहा है कि क्या फिर से प्राइमरी में बीएड का दौर आएगा, तो उस हिसाब से ये मान लीजिए कि भविष्य में ऐसा दौर नहीं आने वाला है जो अभी तक दिख रहा है। फिलहाल क्या होगा, नया एक प्रक्रिया का हिस्सा है, क्या होगा कल को ये तो कोई नहीं जानता, कल पता नहीं हम ही रहें या ना रहें, क्योंकि बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होंगी। लेकिन एक लाइन में अगर कोई आपसे पूछे कि प्राथमिक के लिए 69,000 में क्या बीएड पर संकट के बादल है, तो जी हाँ, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उन पर कहीं ना कहीं थोड़े संकट के बादल हैं, जो अभी नहीं तो आगे चलकर ये थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी परेशानी का मामला हो सकता है, क्या उनको पूरी तरह निकाल बाहर फेंक दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं कोई वैकल्पिक तरीका है, और उस तरीके और उस के वजह से वो बने रहेंगे आगे भी अपने कार्य पर। लेकिन फिलहाल क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, केवल मेरा सुझाव था, व्यक्तिगत सुझाव था, लेकिन मैं चाहूंगा आप सभी न्यायपालिका पर भरोसा रखें, न्यायपालिका निर्णय हमारे लिए और आपके लिए सर्वमान्य है, और हम सब उसका स्वागत भी करते हैं। थैंक यू सभी का, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।